हेलो फ्रेंड्स, आजना वीडियो में आपणे जोईशुं आधार कार्ड में आपणे मोबाइल नंबर एड के अपडेट केवी रीते करवो, हाउ टू अपडेट चेन्ज योर मोबाइल नंबर विथ आधार कार्ड इन आधार कार्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो हवे आपणे जोईशुं हाउ टू लिंक आधार कार्ड यूजिंग मोबाइल नंबर। ऑनलाइन आधार कार्ड में कोई पण प्रोसेस करवा माटे तमारो मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी लिंक होवुं खूब ज जरूरी छे। आधार कार्ड साथे मोबाइल नंबर लिंक होवाथी तमे ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड कर सको, आधार कार्ड में नाम चेंज सुधारो कर सको, आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सको वगैरह जेवा ऑनलाइन जे भी प्रोसेस है ये बधी तमे आधार कार्ड की साथ तमारो मोबाइल नंबर लिंक हो तो तमे आसानी थी आ बधी सर्विसेस नो ऑनलाइन उपयोग कर सको। हवे मोबाइल नंबर साथ आधार कार्ड जोड़वा माटे एक खास नोट है, तमे तमारो मोबाइल नंबर डायरेक्ट ऑनलाइन अपडेट के एड नहीं करी सको। गवर्नमेंट द्वारा ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट करवानो मौके राखेलू छे जेनी तमारे नोंध लेवी। आधार कार्ड साथे मोबाइल नंबर एड के अपडेट करता पहला तमे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट केवी रीते लेवी ते आ वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपणे जोईशुं, जेथी आ वीडियो ने पूरो जोवा विनंती। तेम छतां आधार कार्ड साथे मोबाइल नंबर लिंक करावो ए फरजियात थई गयो छे, तो तमारे सौप्रथम ऑनलाइन मोबाइल अपडेट करावा माटे अपॉइंटमेंट बुक करवानी रहेशे। तो हवे आपणे जोईशुं ऑनलाइन मोबाइल साथे आधार कार्ड अपडेट करवा माटे अपॉइंटमेंट केवी रीते लेवी तेनी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जोईशुं। सौ प्रथम तमारे तमारा मोबाइल में के कॉम्प्यूटर ब्राउजर में गूगल वेबसाइट पर uidai.gov.in गवर्नमेंट वेबसाइट लखीने अथवा आधार ऑनलाइन लखीने सर्च करवानो रहेशे। त्यारबाद सर्च रिजल्ट में आधार नी आ ऑफिशियल वेबसाइट तमने देखाशे, जेनी पर तमारे क्लिक करी ओपन करवानी रहेशे। आधार नी वेबसाइट ओपन थया पछी तमने अहीं लखेलू देखाशे बुक एन अपॉइंटमेंट, तेनी पर क्लिक करवुं। हवे बुक एन अपॉइंटमेंट पर क्लिक करता एक पेज ओपन थशे जेना पर तमने नेम अपडेट, एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, ईमेल आईडी, बर्थडे अपडेट वगैरह अपडेट करवानो ऑनलाइन ऑप्शन मिली देशे। आपने आधार कार्ड साथे मोबाइल नंबर अपडेट करवा माटे बीजा नंबर नो ऑप्शन छे ते माटे प्रोसेस टू बुक अपॉइंटमेंट लखेला पर क्लिक करीशुं। त्यारबाद तमारी सामे आ पेज ओपन थशे जेमां तमारे जे मोबाइल नंबर अपडेट करवा मांगता होय ते मोबाइल नंबर लखवानो रहेशे। मोबाइल नंबर लख्या पछी नीचे आपेला कैप्चाने व्यवस्थित जोईने ते टाइप करवानो रहेशे। त्यारबाद तेनी नीचे आपेला सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करवुं। तमे जे मोबाइल नंबर नाख्यो छे तेनी पर ओटीपी मेसेज आव्यो छे, ते ओटीपी मेसेज 6 डिजिट नो रहेशे, तेने अहीं लखवानो रहेशे। त्यारबाद नीचे आपेला सबमिट ओटीपी एंड प्रोसेस लखेला ऊपर तमारे क्लिक करवानो रहेशे। त्यारबाद आ नवो पेज ओपन थशे जेमां न्यू एनरोलमेंट अने अपडेट आधार जेवा बे ऑप्शन देखाशे, जेमां न्यू एनरोलमेंट एटले नवा आधार कार्ड अप्लाय करवा माटेनी प्रोसेस रहेशे। आपणे बीजा नंबरनो ऑप्शन अपडेट आधार पसंद करवानो रहेशे। त्यारबाद आ पेज ओपन थशे जेमां तमारे अहीं तमारा आधार कार्डमां जे नाम लखेलू छे ते सेम टू सेम नाम अहीं लखवानो रहेशे, અને નીચે આધાર નંબરમાં તમારે જે મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવાનો છે તે આધાર નંબર લખવાનો રહેશે। ત્યારબાદ તમારે અહીં ઇન્ડિયન રેસિડેન્સ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, પછી અહીં તમને પૂછવામાં આવે છે વોટ ડુ યુ વોન્ટ ટુ અપડેટ, જેમાં નીચે આપેલા લિસ્ટમાંથી તમારે શું અપડેટ કરવું છે તે પસંદ કરવાનું રહેશે। આપણે મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરી રહ્યા છીએ જેથી મોબાઈલ નંબર પસંદ કરીશું। ત્યારબાદ નીચે પ્રોસેસ લખેલું રહેશે તેની પર ક્લિક કરીશું, પછી અહીં ઓકે પર ક્લિક કરી આગળ વધવાનું રહેશે। હવે અપડેટ મોબાઈલ નંબરમાં તમે જે મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવા માંગતા હો તે લખો, ત્યારબાદ નીચે આવેલા કેપ્ચાને ટાઈપ કરવા અને સેન્ડ ઓટીપી પર ક્લિક કરવું, પછી તમને જે ઓટીપી મળે છે તે સેમ ઓટીપી અહીં ફિલ કરી દેવાનો રહેશે। ત્યારબાદ વેરીફાઈ ઓટીપી ઉપર ક્લિક કરવું, પછી નીચે આપેલા સેવ એન્ડ પ્રોસીડ ઉપર ક્લિક કરવું। હવે અહીં તમને જે મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવા માંગો છો તે દેખાશે, ત્યારબાદ તેની નીચે આવેલા ચેકબોક્સ ઉપર ટિક કરી દેવું, પછી લાસ્ટમાં તમને અહીં આપેલા સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાની સાથે જ આ રીતનું એક એપ્લિકેશન આઈડી જનરેટ થશે જેને તમારે નોંધી લેવો। ત્યારબાદ બુક અપોઇન્ટમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરી નીચે આપેલા એડવાન્સ સર્ચની મદદથી તમારા નજીકના આધાર સેવા કેન્દ્રને પસંદ કરવાનું રહેશે। આધાર સેવા કેન્દ્રના એડ્રેસને જોઈને તેને સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। તેની બાદ અહીં તમારો રાજ્ય, તાલુકો, પાસપોર્ટ ઓફિસ, સિટી, ગામ વગેરે પસંદ કરી ગેટ ડિટેલ્સ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। અહીં તમે તમારા પસંદ કરેલા એરિયા નજીકના આધાર સેવા સેન્ટરના એડ્રેસ દેખાશે, જેને તમારે તમારા અનુકૂળ આધાર સેવા કેન્દ્રને પસંદ કરી લેવું। પસંદ કરી બુક અપોઇન્ટમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરવું, પછી એક નવો પેજ ઓપન થશે જેમાં સ્લોટ બુકિંગ માટે પૂછવામાં આવે છે। તમારે તમારો સ્લોટ બુક કરવાનો રહેશે, જે ગ્રીન કલરમાં છે તે દિવસ
अवेलेबल छे, जे रेड कलर बतावे छे ते दिवस अवेलेबल नथी, जेमा तमे तमारो अनुकूल टाइम अने समय पसंद करी नजीकना आधार सेवा केंद्र ऊपर जईने तमारो मोबाइल नंबर आधार कार्ड साथे परमानेंट लिंक के अपडेट करावी शको छो। आधार सेवा केंद्र ऊपर अपॉइंटमेंट नी 30 रूपया नी मामूली फी लेवामां आवे छे, जेनी तमारे नोंध लेवी। आज रीते तमे तमारो आधार कार्ड मोबाइल नंबर साथे लिंक करावी शको छो। वधुमां तमने जणावीश मारी आ हाउ टू गुजराती यूट्यूब चेनल ऊपर आधार कार्ड ने डाउनलोड केवी रीते करूँ, तेमज आधार कार्ड में एड्रेस केवी रीते चेन्ज करावू, आधार कार्ड पान कार्ड साथे लिंक छे के नही, आधार कार्ड कई बैंक साथे लिंक छे, ते वगैरह टॉपिक ऊपर मैं वीडियो बनाव्यो छे। ते वीडियो ने तमारे अचूक जोवा।